तो आज के व्याख्यान में हम करेंगे शुक्र भृगु ग्रह के कारक तत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द वीनस। साथ में करेंगे सप्तमी तिथि का वर्णन और इसके साथ साथ संलग्न करेंगे, जोड़ेंगे हम सातवें भाव के ऊपर जो एक विशेष वर्ग कुंडली मूलतः इसमें देखी गई है उसके बारे में भी विचार करेंगे। वो कौन सी है? नवमांश वर्ग कुंडली। जैसे कि पिछली व्याख्यान में हमने किया था, जो पांचवें भाव का विचार किया था, तो हमने सप्तमांश वर्ग कुंडली पे विचार किया था। आप सब लोग ऐसा सोचेंगे कि पांचवें स्थान पे प्रयोग किया सप्तमांश, मूलतः तो सातवें स्थान पे सप्तमांश इस्तेमाल होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, किंतु शास्त्र में ये कहा है कि सातवें स्थान को, सातवें भाव को यदि विशेष रूप से देखना हो तो उसके लिए नवमांश वर्ग कुंडली का विचार करना चाहिए। और नवमांश वर्ग कुंडली एक बहुत ही विशेष वर्ग कुंडली है। इसका प्रयोग लग्न की भांति भी किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग लग्न को जैसे देखते हैं उसकी तरह से भी इसका प्रयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? हो सकता है आज के व्याख्यान में ये पूरा ना हो पाए, क्योंकि ये बड़ा विषय है। नवमांश अति महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है, इसलिए जब हम नवमांश के ऊपर स्वतंत्र रूप से विचार करेंगे, इंडिपेंडेंटली इसको रीड करेंगे, तो इसके बारे में और कई जिज्ञासाएं खुलेंगी। तो अपनी ज्योतिष के व्याख्यान को शुक्र के कारक तत्व से आरंभ करते हैं। शुक्र, भृगु, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और इसी को ज्योतिष शास्त्र में कहीं कहीं तारा भी कहा गया है। तारा क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जब शुक्र अस्त होता है विवाह मुहूर्त में, जब विवाह मुहूर्तों में शुक्र अस्त हो जाए तो कहते हैं तारा डूब गया। और उस समय विवाह कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाते हैं, कहते हैं कि अभी विवाह का मुहूर्त नहीं है। अर्थात शुक्र की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि दाम्पत्य का कारक बृहस्पति ग्रह है, और विवाह के सुख का कारक, इसमें प्रेम है, प्रणय है, आनंद है, प्रमोद है। तो इसी कारण से शुक्र विवाह से जो उत्पन्न सुख होगा, कैसा सुख? दाम्पत्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बृहस्पति। लेकिन शुक्र दोनों दंपत्ति के बीच में
प्रेम प्रणय इसका संकेत देता है। इसीलिए शुक्र अति महत्वपूर्ण है, इसी कारण से इसे तारा कहा गया कि जब तारा उदय होगा। हो सकता है ऐसा कि जब ज्योतिष बनाया हो, ज्योतिष बनाया नहीं, ज्योतिष लिपिबद्ध किया हो, तो पुरुषों को प्रधानता दे के लिखा गया हो, इसीलिए वहां कन्या के लिए दाम्पत्य सुख बृहस्पति और पुरुष के लिए शुक्र विचार किया गया। तो इसीलिए शुक्र इतना महत्वपूर्ण है। तो इसकी कारक तत्व क्या क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? श्वेत छत्र, अर्थात जो राजाओं के ऊपर एक छतरी सी लेके चली जाती थी, जब राजा महाराजा चलते थे तो उसके उनके ऊपर एक छत्र लिया जाता था, उसको श्वेत छत्र बोला है। छत्र तो ये चांदी की छतरी है, वैभवता का प्रतीक है। मूलतः एक वैभवशाली जीवन का प्रतीक है। इसके उपरांत आया कपड़ा, ठीक है, वस्त्र, पोशाक, परिधान आदि। अतः इसके बीच में कपड़ा भी आता है, कपड़े का अर्थ है जो अनिर्मित है, अभी बना नहीं है। इसके भीतर बनी हुई पोशाक भी आती है और परिधान, ऊपर वो पहनने वाला जिससे व्यक्ति अति सुंदर दिखाई दे, वो भी इसके बारे में कहा गया। उसके बाद कहा आय, अर्थात इनकम, द्विपद अर्थात मनुष्य, प्राणी, महिला, स्त्री। आय का अर्थ सीधा सीधा आय है जो हमारे पास हर महीने हमें प्राप्त होती है, उसका अर्थ हुआ आय। और द्विपद प्राणियों के बारे में बात करता है ये, और द्विपद में भी विशेषतः महिला और स्त्रियों के बारे में बात करता है। सातिका, इसको भी ब्राह्मण, यहाँ पे कोई जाति लिंग भेद नहीं है इसका, अपितु अर्थ क्या है, शिक्षा प्रदान करने वाला। बृहस्पति की शिक्षा में और शुक्र की शिक्षा में अंतर क्या है? ठीक है, एक की जो शिक्षाएं हैं वो व्यवहारिक बहुत है, प्रैक्टिकल शुक्र की शिक्षाएं व्यवहारिक प्रैक्टिकल, और बृहस्पति की समग्र
मतलब पूरे ज्ञान का विस्तार कहना चाहिए तो बृहस्पति, और व्यवहारिक ज्ञान कहना चाहिए तो शुक्र के भीतर है। उसका कारण क्या है? यदि बृहस्पति को देखें तो उनके तो देव, उनके बारे में आता है संकेत कि वो देव गुरु हैं। देव का अर्थ है सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष सज्जन महिला एक ही बात है। और शुक्र दैत्य गुरु है, अर्थात ऐसे लोग जो थोड़े आक्रमण है कारी हैं, उग्र हैं, तो सीधे व्यक्तियों को तो कोई भी नियंत्रण में कर सकता है, लेकिन जो लोग थोड़े उग्र हैं, आक्रमणकारी हैं, क्रोधी हैं, उनको नियंत्रण में करना अपने आप में एक विशेष कला का संकेत है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सीधे व्यक्तियों को, सीधे नर नारियों को नियंत्रण में करना बहुत ही सुलभ सहज है, किंतु जो व्यक्ति टेढ़ा है उसको नियंत्रण में करना थोड़ा कठिन होता है। इसी कारण से IAS प्रशासनिक अधिकारी की पत्रिकाओं में शुक्र कई बार बलि देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको क्या करना है, सामाजिक व्यवस्था को ताने बाने को बनाए रख के चलना है। आगे चलते हैं, भार्या, भार्या का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाली महिला, जीवन संगनी, अर्थात वो नारी, वो महिला जिसके आने से जीवन भरपूर हो जाए, मान में, सम्मान में, धन में, वैभवता में बढ़ने लग जाए, वही प्रबल शुक्र है। यदि शुक्र जन्म पत्रिका के भीतर लाभ स्थान में, अच्छी राशियों में, मित्र राशियों में, दिशावली आदि प्रकार से विराजित हो, तो ऐसा संभव है कि उसके जीवन में, पुरुष की कुंडली में, तो उसकी जीवन संगनी उसके आगमन के बाद उसका भरण पोषण और अधिक बढ़ जाएगा। किंतु यदि कन्या की पत्रिका में शुक्र बलि है तो क्या होगा? तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उसके परिवार में ऐसी महिलाएं, ऐसी माँ, ऐसी बहन, ऐसी मित्र जरूर रहेंगी जो अच्छे प्रकार से उसके भरण पोषण में सहयोग करें। हो सकता है उसके व्यवसाय को काम कराने में साथ दें, उसको नौकरी लगवाने में साथ दें, इस प्रकार से। तो शुक्र का बलि होना इसीलिए बहुत आवश्यक है। उसके उपरांत इसमें एक विशेष शब्द आता है इसको अन्यथा ना ले, मैथुन सुख। जो दंपतियों के बीच में किस प्रकार से देखा जाता है, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक,
भावनात्मक भौतिक शारीरिक ये सभी सुख पति को अपने जीवन संगनी से और पत्नी को अपने जीवन साथी से अपेक्षाएं होती हैं कि वो सभी मुझे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो इसी के भीतर जो ये मैथुन सुख अर्थात दंपतियों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रणय संबंध है, अंतरंग संबंध है, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना, उसको ही मैथुन सुख कहा गया है। तो इसके लिए भी शुक्र ही है। यदि शुक्र पुरुष की पत्रिका में पाप ग्रहों से पीड़ित हो, मंगल के साथ हो, आगे जाके एक कुंडली भी आती है D30 त्रिमशांस कुंडली, उसमें यदि पीड़ित हो जाए तो ऐसा देखने को मिला है कि चरित्रहीनता दे देता है, कभी कभी नैतिक पतन दे देता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि कन्या राशि में भी इसके बारे में विचार किया गया, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है कि कन्या राशि में शुक्र ऐसा होने से होता है। मूलतः अधिक पाप प्रभाव में हो तब ज्यादा देखने को मिला है, और त्रिमशांस कुंडली से इसका विचार करना चाहिए। उसके लिए पीछे जब हमने विवाह पढ़ाया था तो उसमें बताया था पौश्चल्य योगों में आता है कि पुरुष की कुंडली में यदि किस प्रकार से देखना चाहिए कि वो रसिक प्रवृत्ति का होगा, अर्थात जो उनके लिए अधिकृत है जीवन साथी, उनसे इतर होके कई अनेकतर संबंधों में विश्वास रखे। द्विपदी राशियों के भीतर ये विशेष विचारणीय होता है। इसके उपरांत आया मध्यम कद, इसका कद कोई बहुत लंबा नहीं है, मध्यम कद के लोग हैं, और खटाई खट्टा रस, ये भी शुक्र का ही प्रतीक है। अर्थात कभी कभी स्वाद के लिए ये देखना चाहिए, जैसे दूसरे स्थान में यदि शुक्र बैठा हो, लग्न में शुक्र बैठा हो, तो देखेंगे व्यक्ति को खट्टा बहुत अच्छा लगता है। छठे स्थान में बैठा हो, दसवें स्थान में बैठा हो, तो खट्टा बहुत पसंद होता है इसको। अब आप पूछेंगे छठे से क्यों बोला, दसवें से क्यों बोला, दूसरे में तो है ही स्वाभाविक, क्योंकि 2, 6, 10 इसके त्रिकोण होते हैं। ठीक है, तो किसी भी भाव का जो त्रिकोण है उसका एक प्रकार से दूसरे में भी असर देखा जाता है, 2, 6 और 10। यदि यहाँ शुक्र बैठा है तो इसका असर यहाँ भी आएगा, यहाँ बैठा है तो इसका असर यहाँ भी आएगा, इस प्रकार से बनता है। चंद्रमा में भी पुष्प आए थे और इसमें भी पुष्प का विचार किया गया है, पुष्प, लेकिन इसके पुष्प क्या है, अति सुगंधकारी। जब पौराणिक ग्रंथ है उसमें कहा गया कि कामदेव ने भगवान शिव को सम्मोहन पाश में बांधने के लिए बाण चलाए, तो उस बाण में जूही, चंपा, चमेली, इसके बाणों से भगवान शिव को पाश करने का प्रयास किया, बंधन करने का।
लेकिन भगवान शिव तो महादेव है, तो उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। इसीलिए भगवान शिव के ऊपर जूही, चंपा, चमेली चढ़ाया नहीं जाता कभी भी, ठीक है? उनपे चंदन चढ़ाया जाता है। तो ये पुष्प हैं अति सुगंधकारी, ठीक है? इसके उपरांत है आज्ञा। ऑर्डर, ठीक है? यश, सभी ग्रहों में यश अपने अपने प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे कि जो शुक्र का यश है वो क्या है, उसके सौंदर्य का प्रतीक है। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि यश किसी की एक एक अधिकार है यश पे। वैसे तो चंद्रमा और सूर्य पत्रिका में यदि बली है तो व्यक्ति का प्रताप, यश, ख्याति बढ़ती है, लेकिन सभी ग्रहों में अपने आप में, पंच महापुरुष योग बने तो उसमें तो सूर्य और चंद्रमा को सम्मिलित भी नहीं किया। पंच महापुरुष योग होते ना, शुक्र एक, दो, सात, 12 राशियों में विराजित हो, मालव्य योग है ना। तो उसमें पंचमा इसी प्रकार से बृहस्पति, नौ, 12, 4, इन राशियों में बृहस्पति कहीं भी विराजित हो, हंस योग। तो पंच महापुरुषों में ग्रह कौन कौन से सम्मिलित हुए? बुध, भद्र योग, बृहस्पति, हंस योग, शुक्र, मालव्य योग और शनि, शशि योग और मंगल, रुचक योग। शास्त्र क्या कहता है कि ये सभी ग्रह अपनी राशियों में, ये अपनी उच्च राशियों में केंद्र में बैठे हों, तो साथ में इनके पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। कौन कौन से? राहु, केतु और एकांतवासी हों, मतलब अकेले ही बैठे हों, तब ये योग बनते हैं। अब इसमें देखें तो कहीं भी ना तो चंद्रमा है और ना सूर्य, तो सूर्य चंद्र के योग बिल्कुल भिन्न है। इसके चंद्रादि योग कहलाते हैं और इसके वेशीवाशी, इसके अनफा सुनफा और भी बहुत सारे योग इसमें आते हैं। तो विचार क्या बना था हमारा कि यश से, देखो विषय कहीं से कहीं चला जाता हमारा, ये शुक्र ग्रह ही ऐसा है। यश आया था इसके भीतर एक शब्द, तो यश के पीछे हमने कहा कि यश इसका किस कारण से बढ़ता है, सौंदर्य के कारण से। इसके उपरांत आया हमारा वाहन, तो बताया था कि पत्रिका के भीतर चौथा स्थान और शुक्र ये वाहन के कारक है। दक्षिण पूर्व की दिशा पत्रिका में 12वां स्थान,
दक्षिण पूर्व दिशा, अग्नि कोण। साउथ ईस्ट। की नजर, ये तो काफी पोएटिक हो गए, कला काव्यात्मक हो गए। तिरछी नजर अर्थात व्यक्ति देख यहां रहा है लेकिन इसे पता है कि सामने क्या चल रहा है, मेरे इसके एक तरफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी का ना ब्यूरोक्रेट पहचान जाता है बड़ी तेजी से, क्योंकि शुक्र एक त्रिबुद्धि ग्रह चालाक, बृहस्पति की तरह नहीं है, पहचान जाता है पक्ष अर्थात 15 डेज। शुक्र का आधिपत्य किस पे है, एक पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल कृष्ण, मूलते तो ये चंद्रमा के उससे, लेकिन इसके अर्थ है 15 डेज। राजसी व्रती, शुक्र बलि होगा तो स्वभाव में राजसी व्रती रहती है, यजुर्वेद, चार वेद हैं उसमें से ये यजुर्वेद का स्वामी है, व्यापारी, इसको व्यापार करना भी आता है, रॉयल, राजसी का अर्थ होता है रॉयल, ये व्यापारी भी है, क्यों, तुला राशि इसी के अंदर है, शुक्र की दो राशियां ना, वृषभ और तुला, और तुला प्रतीक है तराजू का, तो इसी के कारण से व्यापारी। सौंदर्य संबंधी वस्तुओं का क्रय विक्रय, सौंदर्य प्रसादन, वस्त्र, उपवस्त्र, कॉस्मेटिक। देखो मेरी लेखनी ऐसी रहेगी, आप उसको क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि कक्षा चल रही है तो लेखनी ऐसी रहेगी। चित्रकारी, आर्किटेक्ट भी आते हैं। प्रेम की बातें, लव लेटर्स भी इसी के द्वारा लिखे जाते हैं, बड़ा शरारती है शुक्र। बृहस्पतिवार के दिन हम शुक्र पढ़ रहे हैं क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। साथ ही इसमें कहा हाथी घोड़ा, कविता, नृत्य, भोग। हाथी का अर्थ बड़े वाहन, लग्जरी, वैभवशाली। घोड़े का अर्थ थोड़ा छोटा, द्विपहिया टाइप में, इसी से आ जाता है। सुकुमारी, नव यौवना, ठीक है, वो भी इसी का प्रतीक है। तैराकी,
आज एक बच्चे आज एक बिटिया का बच्चे का जन्मांक देख रहे थे, तो उनके पिता ने पूछा कि ये अच्छी तैराक बन सकती है। नवयौवना का अर्थ होता है यंग गर्ल। तो उनकी अभिभावक ने माता पिता ने पूछा कि ये अच्छी तैराक बन सकती है, और शुक्र बलि था। तो जब शुक्र बलि है तो जब इसमें तैराकी कहा गया, इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिएगा, भाग्य का भी प्रतीक है, वैसे उसका बृहस्पति प्रतीक है। ठीक है, रसिकता, अभी बताया था ना, ज्यादा शुक्र बिगड़ जाए तो रसिक प्रवृत्ति हो जाता है। जो ज्यादा रसिक हो जाते हैं, अगर ठीक है तो ठीक है, और ज्यादा रसिक हो जाए तो वो फिर लंपट हो जाते हैं, लोलुप हो जाते हैं। इन दोनों का अर्थ क्या है? हिंदी के शब्द हैं, मतलब महिलाओं में ही रुझान बना रहता है बिना कारण से ही, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, बहुत थोड़ा खाने वाला, किंचित भोजन, किंतु परिष्कृत भोजन, मतलब बड़ा थोड़ा थोड़ा खाएगा। और वैसे भी ना, महिलाओं के अंदर, नारियों के अंदर एक बहुत होता है ना, बड़े, इसीलिए कन्या राशि के बारे में विचार जब करते हैं तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति वो बड़ा अपने पसंद नापसंद को बड़ा ध्यान रखता है। और कन्या राशि अपने आप में महिलाओं का और स्त्रियों का कारक ही है, तो इसीलिए शुक्र भी सोच समझ के भोजन ग्रहण करने वाला ग्रह है। वैसे ऐसे में एक और भी चीज देखी गई है, जब जन्म पत्रिका में छठे स्थान में चंद्रमा होता है तो ये भी सिलेक्टिव भोजन देता है, बड़ा सोच सोच के खाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। नेत्र, क्यों कहा गया है? क्योंकि एक बार ये छिप के एक बक्स के भीतर में से, उसके छेद में से किसी को देख रहे थे, किसी ने तिल्ली डाल दी इसके अंदर बक्स के भीतर, तो इनकी आंख में हो गया। इसीलिए एक कथा है ये, तो नेत्रों के ऊपर भी इसका शासन है। शुक्र बलि नहीं है तो व्यक्ति यदि पत्रिका के भीतर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI, ये पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। यदि शुक्र पीड़ित है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। छठे का स्वामियों के लग्न में विराजित हो तो भी आता है। तो ये मूत्र संबंधी रोग देने का कारक भी है। ये पुरुषों के भीतर स्पम्स का भी है, तो कई बार पत्रिकाएं देखेंगे तो आप कभी कभी ये देखेंगे कि व्यक्ति को प्रजनन नहीं हो पा रहा है, तो महिला की कुंडली में समस्या है या पुरुष की, तो पता लग जाएगा आपको कि भाई कि मूलतः तो कहीं ये पुरुष की पत्रिका की समस्या है, और ढूंढे जा रहे हैं उसे
ज्योतिष से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन संसार इस तरीके से बना हुआ है कि दोषारोपण कहीं ना कहीं घुमा के महिला के ऊपर कर दिया जाए। पत्रिका में तो स्पष्ट नजर आ रहा है, इसलिए तो देख लेना चाहिए कि भाई कहीं पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो ये पुरुष की पत्रिका में कोई पीड़ा दिखा सकता है। काम रूप में असक्त, मतलब जो कामनाओं से भरपूर है, ये काम रूप में आसक्त। आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, ये सब शुक्र के रूप है इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहे हैं, ये आपको प्रदान करना पड़ रहा है। तो कामनाओं से भरपूर है, लस्ट से भरपूर है, और राज्य की मुद्रा जो रुपया सरकार की ओर से प्रदान किया जाए, भारत में तो यही चल रहा है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग चलते होंगे ऐसे भी शायद, एक तो अलग अलग स्थान पे चल, तो जो राज्य के ऊपर से प्रदान की जाने वाली मुद्रा है उसका भी शुक्री प्रतीक है। दिन में माँ की तरह, रात्रि में पत्नी की तरह। दिन में इसका जो रूप है माँ के भांति है, रात में पत्नी की भांति है। और प्राइवेट पार्ट्स, निज अंग, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी शुक्र ही बताते हैं। तो इसको दोबारा से एक बार समराइज कर लेते हैं, दोबारा से एकत्रीकरण कर लें। शुक्र भृगु तारा, क्योंकि जब शुक्र अस्त होते हैं विवाह मुहूर्तों के समय पे, तो कहते हैं कि तारा डूब गया, इसीलिए इसका नाम एक तारा भी है। दाम्पत्य का कारक ग्रह बृहस्पति है और शुक्र है भी उसमें जो ग्रह है वो भी प्रेम का ग्रह है। चांदी का छत्र भी शुक्र है, वस्त्र पोशाक परिधान भी शुक्र है, वैभवता का प्रतीक भी शुक्र है। आय जो हमें हर माह मिलने वाली आय है वो सब शुक्र के द्वारा ही देखी जाती है। ब्राह्मण है अर्थात शिक्षा प्रदाता है, यहाँ पे जाति लिंग बैंक आदि कुछ नहीं है, केवल शिक्षा का अर्थ ब्राह्मण कहा गया और कोई इसका मतलब नहीं है। सभी हर वो व्यक्ति ब्राह्मण ही है जो शिक्षा को आदान प्रदान कर रहा है। इसकी शिक्षाएं डिप्लोमेट है अर्थात जो तंत्र चलाने वाली है, और बृहस्पति की शिक्षाएं इंसाइक्लोपीडिया समग्र ज्ञान का प्रतीक है। द्विपद अर्थात मनुष्य और प्राणियों के बारे में बात करता है, मूलतः महिलाओं और स्त्रियों के बारे में बताने वाला ग्रह है। क्योंकि दैत्य गुरु हैं तो इसी कारण से उग्र व्यक्तियों के ऊपर, आक्रमणकारियों के ऊपर, इन सब के ऊपर अपना शासन रखता है। तो जो उग्र व्यक्तियों को नियंत्रण में कर सके ऐसा ही व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होता है, ऐसा ही व्यक्ति भारतवर्ष के अनुसार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को कर सकता है। इसी से कहा था कि आईएएस की पत्रिका में शुक्र बहुत बली होता है। भार्य भरण पोषण करने वाली नारी, जिसके घर में आने से भरण पोषण हो जाए, वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, जीवन संगनी भी हो सकती है। मैथुन का सुख अर्थात दंपतियों के बीच में जो प्रणय संबंध होते हैं उनके बारे में ये कहता है, एक पुरुष को एक नारी से, एक नारी को एक पुरुष से इस प्रकार से सुख चाहिए होता है। मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक, भौतिक और शारीरिक
अब एक पुरुष को नारी से कोई आर्थिक सुख का अर्थ यहाँ पे है कि वो उसके पैसे को संग्रह करके रख सके, और किसी के मन में अगर लालच ही है, लोभ ही है, तो वो ये भी सोचेगा कि ये मेरे लिए खूब कमा कमा के लाए। लेकिन आर्थिक रूप का अर्थ है कि वो जो वो आय अर्जित करके लाए उसको संचय करके रख सके वो नारी। तो एक व्यक्ति को, एक महिला को अपने जीवन साथी से और एक पुरुष को अपनी जीवन संगनी से क्या चाहिए? मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक, भौतिक और शारीरिक सुख। इसीलिए मैथुन सुख भी शुक्र के भीतर आता है। शुक्र यदि पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति को रसिक प्रवृत्ति का बना सकता है, लंपट बना सकता है। तो यहाँ पे D30 कुंडली, डिविजनल कुंडली 30 का प्रयोग करके इसको देखना चाहिए कि व्यक्ति का चरित्रशील आदि किस प्रकार से है। मध्यम कद है इसका, इसका रस खट्टा है और इसका पुष्प अति सुगंधकारी है, जैसे बताया जूही, चंपा, चमेली आदि इसके वृक्ष हैं। जब भगवान शिव को कामदेव ने बंधन में करने का प्रयोग किया तो जूही, चंपा, चमेली का प्रयोग किया था, भगवान शिव ने उसी को भस्म कर दिया। खट्टे रस के साथ साथ जोड़ के देखा था हमने, 2, 6, 10 भावों में यदि शुक्र हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं खट्टे रस का रुचि रहती है। वैसे तो लग्न में भी होता, तब भी देखा गया है। इसके उपरांत आया योग, बता दिए थे आपको, पंचमा पुरुष योग। क्यों? क्योंकि वहां पे यश भी आया था शब्द, यश, सौंदर्य, आज्ञा। तो बुध से बनता है भद्र योग, जेंटलमैन। बृहस्पति से बनता हंस योग, सुंदर दिखने वाला, सुंदर बातें करने वाला, केवल अच्छी चीजें ग्रहण करने वाला। मालव्य भी अपने आप में सौंदर्य का प्रतीक है, और शशि अर्थात शश योग जो है वो ग्रामीण मुखिया कहा गया है। और मंगल से बनता है रुचक योग, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सेना का सेनापति होता है वो रुचक योग में सम्मिलित होता है। कब बनते हैं योग? यदि ये ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में केंद्र में बैठे हों तब ये योग का निर्वाण होता है। वाहन का प्रतीक है शुक्र, और चौथे स्थान के साथ जोड़ के देखा गया है। इसकी वृत्ति, मनोवृत्ति व्यापारिक होती है और तिरछी नजर है, जहां देख रहा है उसके अलावा भी दूसरे स्थानों पे देख रहा होता है। व्यापारिक तुला राशि के कारण से भी कहा गया था। और तेज है, तीक्ष्ण बुद्धि है, पूर्व दिशा अग्नि कोण के ऊपर स्वामित्व है इसका। सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, चित्रकारी, प्रेम की बातें, कलाकारी, इन सब के ऊपर कहा गया है। सुकुमारी, नवयौवना अर्थात यंग गर्ल के बारे में बताता है। तैराकी अर्थात तैराकी से संबंधित है, और भाग्य बृहस्पति के भीतर में है और भाग्य शुक्र के भीतर में भी है, लेकिन इसका भाग्य व्यक्ति को वैभवशाली बनाता है, और शुक्र बृहस्पति का भाग्य उसके मूल फॉर्चुनेट को, जो उसका मूल भाग्य है, उसके बारे में बताता है। यदि ये बिगड़ जाए तो रसिकता का प्रतीक लंपटता में बदलता है और लोलुपता में भी बदल सकता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति दुर्भावना रखता है यदि शुक्र बिगड़ जाए तो। किंचित भोजन करने वाला अर्थात इसका भोजन बड़ा सीमित है और बड़ा सिलेक्टिव है, और साथ में का राजा के द्वारा मिलने वाली मुद्रा अर्थात जो नोट है, करेंसी है, वो शुक्र है। उसी प्रकार से डॉलर आदि इत्यादि भी शुक्री है। दिन के रूप में माँ और रात्रि के रूप में स्त्री के चरित्र का निर्वहन करता है शुक्र, और काम रूप में असक्त के बारे में भी शुक्र का विचार किया गया है। जो निज अंग है महिला या पुरुष के, वो दोनों ही शुक्र के भीतर आते हैं। इस प्रकार हमने शुक्र का विचार किया। इसके उपरांत करेंगे सप्तमी तिथि का विचार, प्रश्न सबसे अंतिम खंड में लेंगे। सप्तमी तिथि स्वामी कौन है इसके? सूर्य। हर तिथि का भी एक स्वामी है, और वैसे कौन सी तिथि है? भद्रा, भद्र तिथि, भद्रा नहीं बोलने चाहिए, भद्र तिथि। तिथियों के 5 प्रकार हैं, नंदा, भद्रा,
रिक्ता पूर्णा। नंदा तिथियां कैसे गिनना चाहिए इनको? इनकी गिनती बना लें, एक दो तीन चार और पांच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 13, 14 और 15। फिर उसके बाद नया पक्ष आरंभ हो जाएगा, तो उसमें कृष्ण पक्ष की तिथियां शुरू हो जाएंगी। तो तरीका यही रहेगा, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। तो 2, 6, 10 तिथियां जो है नंदा तिथियां होती हैं। तो नंदा तिथियों के जो ग्रह हैं वो हैं शुक्र। इसी कारण से प्रथमा को, षष्ठी को और एकादशी को अतिश शुभ कहा गया है। भद्रा तिथियों के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, जया तिथियों के जो स्वामी हैं वो हैं मंगल, रिक्ता तिथियों के स्वामी हैं शनि और पूर्णा तिथियों के स्वामी हैं बृहस्पति। ठीक है, और इनके जो देवता हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि जो चतुर्थी के थे गणेश, ठीक है, षष्ठी के हैं कार्तिकेय, पंचमी के हैं नाग, इसी प्रकार से सप्तमी के हैं सूर्य। ये देवता हैं इनके, ये ग्रह नहीं है, ये देवता है। तो सप्तमी तिथि के स्वामी हैं सूर्य। यदि व्यक्ति सप्तमी तिथि को जन्म लेता है तो राजसी स्वभाव देखने को मिला है। रॉयल, और इनकी पत्रिका में किसी ना किसी प्रकार से सातवां स्थान पत्रिका का कहीं ना कहीं जीवन में जागृत रहता है। ठीक है, तो यदि व्यक्ति का जन्म सप्तमी तिथि को हुआ हो तो सातवें स्थान को जरूर देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इसके जीवन में सातवें स्थान का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो सातवां स्थान दाम्पत्य का भी है, सातवां स्थान विदेश प्रवास का भी है, और सातवां स्थान व्यापार का भी है। कारक तत्व आपको याद होंगे तभी आप इसको देख पाएंगे, और कारक तत्व मैंने पहले आपको करवा दिए। सप्तमी के दिन विशेषतः आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाकी दिन में कर सकते हैं, सप्तमी के दिन नहीं करना चाहिए। और सूर्य उपासना करनी चाहिए, ये जिनका जन्म सप्तमी तिथि के लिए कहा गया उनके लिए ही ये मूल बिंदु है। क्योंकि हमने शुक्र का विचार किया था इसीलिए सप्तमी तिथि को साथ में देख के चल रहे हैं सातवें स्थान के ऊपर। शुक्र का जो मेटल है, धातु जो है शुक्र की, वो रत्न है इसका, व्हाइट क्रिस्टल। जर्किन अमेरिकन डायमंड बोलते हैं इसको, और हीरा, ये इन रत्नों के ऊपर शासन करता है। और इसका जो धातु है वो इसकी है, कुछ जगह पे चांदी भी कही गई है, लेकिन इसकी मूल धातु जो है वो प्लेटिनियम है। बहुत ही ज्यादा मूल्यवान धातु इसके भीतर आती है, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। हाँ, व्हाइट गोल्ड भी है। तो सप्तमी तिथि तक हमने विचार कर लिया, अंत में हम विचार करेंगे सातवें भाव को देखने के लिए। एक वर्ग कुंडली होती है नवमांश, आज इसका बहुत सूक्ष्म परिचय देंगे।
एक लग्न कुंडली जब भी निर्मित होगी तो उसके भीतर ही नवमांश कुंडली का निर्माण होता है, उसके सहायक कुंडली है, अर्थात 30 अंश की राशि के जब 9 भाग कर देंगे तो 3 अंश 20 कला, 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग होता है। तो नवमांश कुंडली अति महत्वपूर्ण है। उसका कारण क्या है कि नक्षत्र का एक चरण है 3 डिग्री 20 अंश, 3 अंश 20 कला, तो 27 नक्षत्र और एक नक्षत्र के चार पग, इसीलिए कुंडली इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। नवमांश अलग से ही पढ़ाएंगे, यहां पे हम केवल इतना विचार कर लेते हैं कि नौ नवमांशों में नवमांश के बारे में क्या कहा गया है, यदि नवमांश किस प्रकार से उदित होता है उसको देख लेना चाहिए। तो नवमांश यदि उसी स्थान पर पड़ जाए, अर्थात पहले नवमांश में ही हो और नवमांश के अंदर भी वही उदित हो जाए तो लग्नांश बोलते हैं इसे। यहाँ पे 12 भावों के विचार के बारे में कहा गया है। पहला लग्नांश, ये पराशर ने नहीं कही, ये पूर्व पराशर में आता है। दूसरे में उदित हो तो भाग्यांश और धनांश, तीसरे में हो तो विक्रांश, चौथे में हो तो सुखांश, पांचवे में हो तो पुत्रांश, छठे में हो तो षष्ठांश या रोगांश भी कहीं कहीं कहा गया है, सातवें में भार्यांश अर्थात जीवन साथी के बारे में, आठवें में रंदांश, नौवें में भाग्यांश, दसवें में कर्मांश, ग्यारहवें में लाभांश, और बारहवें में व्यांश। अर्थात जो लग्न कुंडली है उससे जो नवमांश कुंडली है वो कहाँ पे पड़ रही है। मान लीजिए लग्न कुंडली में जो भी संख्या आ रही है और नवमांश कुंडली में वो उसके बारहवें में पड़ रहा है तो ये हो गया व्यांश। तो ऐसे में ये ज्योतिषकारों का विचार है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में खर्चे बहुत रहेंगे। यदि वो ग्यारहवें में पढ़ रहा है तो अच्छा है, तो इसको उदाहरण के साथ लेके चलेंगे। जब अगली कुंडलियों के बारे में विचार करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या है।